कुक योर फूड में आपका स्वागत है। मैं हूँ रश्मि और आज हम बनाएंगे एक फेमस स्ट्रीट फूड भुर्जी पाव, जिसमें हम अंडे की भुर्जी बनाएंगे और इसे ठेले वाला टेस्ट देने के लिए इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और इसे सर्व करेंगे पाव के साथ। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग है, आप बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। अंडे की भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़ा प्याज, 2 बड़े टमाटर, 1.5 इंच अदरक और 4 हरी मिर्चें ली हैं। मैं यहाँ पे 6 अंडे की भुर्जी बना रही हूँ, तो 2 अंडे पे 1 प्याज को रखा है। उसके बाद हम प्याज को इस तरीके से बारीक काट लेंगे, साथ में अदरक को भी बारीक काट लिया है और हरी मिर्च को भी। उसके बाद जो टमाटर है उसे भी छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। उसके बाद हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और इस तरीके से अंडे को फोड़ के इसमें डाल देंगे। तो मैंने 6 अंडे इसमें फोड़ के डाल दिए हैं और अंडे डालने के बाद इसको फोक से अच्छे से विस्क कर लेना है। इन अंडों को बढ़िया से फेंट लेना है जिससे कि थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। तो इस तरह से फोक से या विस्कर की हेल्प से इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए अच्छे से फेंट लेंगे और इसे फेंटने के बाद इसमें डाल देंगे नमक। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक डाला है और नमक डालने के बाद हमें इसे दोबारा फेंटना है। तो इस तरह से इसको एक बार फिर से फेंट लेंगे। फेंटना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके बाद जो इसकी हम भुर्जी बनाएंगे तो वो एकदम फ्लफी बनेगी। उसके बाद एक कढ़ाई में गरम कर लेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल, फिर इसमें डालेंगे 1 इंच बटर। बटर डालने से स्वाद अच्छा आता है और बटर जब मेल्ट हो रहा हो तभी इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो सारा प्याज मैंने इसमें डाल दिया है, इसे मिक्स कर लेंगे और प्याज को हमें थोड़ा सा पका लेना है जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए और ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए। तो इस तरह से बीच बीच में इसको चलाते हुए प्याज को हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे और प्याज जब हल्का सा कुक हो जाए इस तरीके से, तभी इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें। इसे भी मिक्स कर लेंगे और इसे 3-4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे जिससे कि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पक जाए। तो प्याज हल्का सा और कुक हो गया है, तो अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने अंडे को फेंटते समय भी डाला था, तो आप उसी प्रोपोर्शन में डालें। इसे भी मिक्स कर लेंगे और उसके बाद टमाटर को हमें कुछ देर के लिए पकाना है जिससे कि मैशी हो जाए और भुर्जी में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो हम इसे कवर करके पकाएंगे, लेकिन इसको कवर करने से पहले इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और साथ ही इसमें डालेंगे इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट पाव भाजी मसाला, जो कि इसके टेस्ट को और भी एनहांस कर देगा। तो मैंने यहाँ पे डाला है 1 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला। और सारे मसाले डालने के बाद इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसे कवर करके कुछ देर के लिए पका लेंगे जब तक ये ऑयल सरफेस पर ना आ जाए। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है और उसके बाद इसके ऊपर लिड रख दिया है। तो मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं और ऑयल भी सरफेस पे आ गया है। इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे फेटे हुए अंडे। तो सारे अंडे मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसे डालते समय हम फ्लेम को लो रखेंगे और इसे लगातार स्टर करते रहेंगे। ऐसा करने से अंडे जो है एकदम से अपना शेप नहीं लेंगे, वो धीरे धीरे अपना शेप चेंज करेंगे और किनारों को भी स्क्रेप करके बीच में हम मिलाते जाएंगे। तो अब देखिए ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इसे मिक्स करते जाएंगे। अंडों को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो ये धीरे धीरे ड्राई होता जाएगा। आपको इसे जितना ड्राई रखना है उतना इसे पका ले। तो अब लगभग ये तैयार है, तो अब इसके ऊपर डाल देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, फ्लेवर और खुशबू दोनों के लिए। इसे भी मिक्स कर लेंगे और ये एकदम टेस्टी एग भुर्जी बनके तैयार है। तो अब चलिए इसके लिए हम पाव रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए सेम कढ़ाई को मैंने रखा है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, बटर को थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे जिससे कि ये पाव में इवनली लगे। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसके ऊपर रख देंगे कटा हुआ पाव और इसे रोटेट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी रोटेट कर लेंगे और ये सिका हुआ पाव तैयार है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो है ना बिल्कुल टेस्टी और हेल्दी रेसिपी।
जिसे आप बिल्कुल आसानी से घर में बना सकते हैं और बच्चे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। इसे मैंने सर्व किया है थोड़े से कटे हुए प्याज और टमाटर के साथ। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कुक योर फूड को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।